नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शरद बाघेला। खबर दंतेवाड़ा से, यहां पर डीआरजी के जवानों पर ग्रामीणों ने मारपीट का आरोप लगाया है। बुरगुम गांव के ग्रामीणों ने कहा है कि जवानों ने गश्त के दौरान उनके साथ मारपीट की है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि खेत में काम करने के दौरान जवानों ने 12 ग्रामीणों के साथ मारपीट की है। यहां पोटाली गांव में लगे पुलिस कैंप का विरोध ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सूरी भी ग्रामीणों के बीच पहुंचे और पुलिस पर आरोप लगाए। सोनी ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस की प्रताड़ना बंद नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इतने में कुछ कैंप लगा दिए, कुछ लगा रहे मेयर को पीछे, फिर मारा था तो इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए से मैं बोल रहा था। जो हुआ है महिलाओं के साथ, हमारे पुरुषों के साथ, जो दान में खेती में काम करने वालों को इतनी बुरी तरह मारा गया है और महिला को इतनी बुरी तरह पीटा गया, जो महिला चल भी नहीं पा रही है, ये चीजें हुई है और 3 दिन से लगातार इस बात की लड़ाई चल रही है। लेकिन मैं जनता के बीच में आके सवाल किए और इन सबसे मेरा चर्चा हुआ, अब ये लड़ाई रुकने और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ पंकज भदौरिया जुड़ चुके हैं दंतेवाड़ा से। पंकज, जिस तरह देख रहे हैं कि पुलिस पर मारपीट का आरोप लग रहा है और वहां के ग्रामीणों ने मारपीट का आरोप लगाया है, कई लोगों को तो बहुत बेरहमी से पीटा गया है, वास्तविकता जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल सही बात है, वहां पर जब से नवीन पुलिस कैंप लग रहा है तो ग्रामीणों और पुलिस के बीच तनातनी जैसा माहौल है। पुलिस भी जब गश्त में निकलती है तो कहीं ना कहीं उन ग्रामीणों को रोकने की कोशिश कर रही है जो विरोध के लिए उस कैंप के तरफ में बढ़ रहे हैं। यह मामला पूरा बुरगुम गांव का है। बुरगुम गांव के पास में कल सवेरे डीआरजी निकली हुई थी, जहां पर सुकमा की तरफ से आए हुए डीआरजी के जवान 10 से 12 लोगों ग्रामीणों की पिटाई की है, जिसमें से 8 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं, जिसमें से एक महिला को बहुत ज्यादा चोट लगी है। वो खाट में लेटी हुई थी जब हम लोग वहां पर ग्राउंड में पहुंचे हुए थे। तो सब मिलाकर के और दूसरी तरफ देखा जाए तो दंतेवाड़ा के जो एसपी हैं पल्लव जी, उन्होंने दावा किया है कि पोटाली से कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया में डाली थी कि पोटाली के ग्रामीण हैं, कैंप लगने से खुश हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर कैंप लगे, और लेकिन गांव के आसपास के गांव में फिर भी लोग सभी संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं से उस कैंप को लेकर के लगातार विरोध की आवाजें उठ रही है इस तरह जी। क्या लगता है, हम सोरी की बात करें, वो भी इनके समर्थन में खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि अगर पुलिस वाले नहीं अपने डंडे पर काबू कर पाते हैं तो फिर वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि कल ग्राउंड में सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोनी की पहुंची हुई थी और उनका ये कहना है कि जब मतलब ग्रामीण इस कैंप का विरोध कर रहे हैं, जब इतना ज्यादा सनातनी का माहौल है तो आखिर कैंप की क्या जरूरत थी, वहां पर कैंप नहीं लगाना चाहिए था, इस समय नहीं लगाना चाहिए था, आने वाले समय जब स्थिति नियंत्रण में आती तो वहां पर कैंप बैठाना था, और अगर ये स्थिति ऐसे ही तनाव की रही और आदिवासियों के ऊपर में अगर ऐसे ही मारपीट के आरोप लगते रहे पुलिस के ऊपर तो प्रताड़ना के खिलाफ भूख हड़ताल करके एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा, जो आंदोलन जंगलों से निकल करके दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से गूंजेगा और जो प्रदेश सरकार तक आवाज पहुंचाई जाएगी। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, लेकिन इस पूरे मसले पर नजर बनाए रखेगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।